Assalamu alaikum. My name is Tahir and you are watching live HR Consultants Pakistan. आज का जो हमारे ये सेशन होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. यूएसए पर आज हमारी डिस्कशन होगी रिलेटेड वो स्टूडेंट्स जो यूएसए में अप्लाई करना चाहते हैं, जिनकी बहुत सी ऐसी क्यूरीज हमें रिसीव हुई हैं, इंक्वायरीज रिसीव हुई हैं रिलेटेड फी स्ट्रक्चर, आई से रिलेटेड है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड है. और ये बहुत अहम क्यूरी हमें रिसीव हुई है कि क्या यूएसए की यूनिवर्सिटीज एडमिशंस प्रोवाइड कर रही हैं इस कंडीशंस में या नहीं कर रही. तो इसी पर आज हमने इसी पर डिस्कस करने के लिए आज हमने इनवाइट किया हमारे सीनियर एडमिशन ऑफिसर हैं मिस्टर मोहसिन. थैंक यू मिस्टर मोहसिन, आपने हमें ज्वाइन किया. थैंक यू ताहिर फॉर इनवाइटिंग अस फॉर डिस्कशन. जी मोहसिन साहब, आज का मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जैसे कि मैं हर अपने जो एडमिशन ऑफिसर है उनसे मेरा हर कंट्री के लिए डिफरेंट एक सवाल रहा है. एडमिशन से रिलेटेड मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे सबसे पहले कि आप क्या समझते हैं कि अभी यूएसए की यूनिवर्सिटीज जो है वो एडमिशंस दे रही है यूनिवर्सिटीज को या नहीं दे रही, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत एक अहम सवाल है कि कन्फ्यूज हुए हैं स्टूडेंट्स की क्या यूनिवर्सिटीज दे रही है एडमिशंस नहीं दे रही है, हम अप्लाई करें ना करें, कन्फ्यूज हुए हैं. तो इस चीज को थोड़ा क्लियर कीजिए स्टूडेंट्स को. बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका. आज के लिए करंट सिचुएशन के मुताबिक स्टूडेंट तो परेशान है, हम भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट से कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हम घर से तो निकल नहीं सकते हैं लेकिन एडमिशन आ रहे हैं ये सारी चीजें. तो हमने फ्यूचर के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं और एडमिशन किसी भी कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करना होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है. तो हम यूनिवर्सिटीज हम ओपन इसीलिए है कि उन्होंने आपको अभी एडमिशन कंफर्म कर देंगे, वीजे के लिए जा सकते हैं. इसलिए अब आप हर स्टूडेंट के लिए ऑप्शन जैसे पहले ओपन थी अभी भी ओपन है और वो यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स दें जिनकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं वो अप्लाई करें. अनकंडीशनल एडमिशन मिल रहे हैं, हाँ आइल्स अगर नहीं किया हुआ या वेटिंग है डेट्स के लिए तो वो आइल्स के बगैर कंडीशनल एडमिशन दे रहे हैं ताकि आप अपनी सीट कंफर्म कर लें. जैसे ही आप आइल्स की कंडीशन मीट कर लेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा. हर यूनिवर्सिटी अपना एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है, एसओपी है, उसको अकॉर्डिंगली स्टूडेंट के बता रहे हैं जिसलिए हम बैठे हुए हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट ये रिक्वायरमेंट से मीट करें और अप्लाई कर सकते. ठीक हो गया. अब मुझे ये बताइएगा कि कमिंग इनटेक कौन सी है, किस इनटेक के लिए बच्चा अप्लाई कर सकता है, कौन सी इनटेक्स कौन सी आ रही है, सी कमिंग इनटेक्स यूएसए की बताइए, ये बच्चा कब अप्लाई कर सकता है. अच्छा अभी हम सितंबर के लिए काम कर रहे हैं, फिर जनवरी इनटेक है. यूनिवर्सिटीज अभी ऑफर आपको सितंबर के लिए इजीली दे रही है, खुदा ना करता अगर ये चीज आगे प्रोलॉन्ग होती है तो वही ऑफर लेटर आगे डेफर हो जाता है. लेकिन यूनिवर्सिटीज आपको सितंबर के लिए ट्रीट कर रही है जैसे कि पहले कर रही थी. तो हम सितंबर के लिए भी काम कर रहे हैं और जनवरी के लिए भी काम कर रहे हैं. जो लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है या रिजल्ट अवेटिंग है वो इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाह रहे तो वो अभी जनवरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, अभी जैसा कि आप सुन रहे हैं एडमिशंस के बारे में मिस्टर मोहसिन हमसे डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा कि आप अभी आपकी जो भी क्यूरीज है आप अभी हमें लाइव डिस्कस कर सकते हैं 03-46-47-47-043 पर अभी कॉल कीजिए, आपकी लाइव डिस्कशंस की जाएंगी. जो भी आपकी क्यूरीज है लाइव आपकी कॉल को लिया जाएगा और लाइव आपकी क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा. तो अभी कॉन्टेक्ट कीजिए 03-46-47-47-043 पर. जी नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे ये है मोहसिन साहब, कोर्सेज के बारे में बताइएगा कि कौन कौन से मेजर कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं यूएसए की यूनिवर्सिटीज में, मेजर कोर्सेज के बारे में बताइएगा, जो बहुत से पॉपुलर कोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कस कीजिएगा, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को. यूएसए तो वैसे बहुत बड़ी मार्केट है, 4300 यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर और नंबर ऑफ कोर्सेज हैं. लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड है जो स्टूडेंट में देखा जा रहा है और आगे स्कोप भी है यूएसए में वो इस वक्त सीएस का है, बैचलर्स के लिए, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारी चीजें स्टूडेंट्स ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं. नेटवर्किंग भी आ रहे हैं, रोबोटिक्स है, इन सब में सबसे ज्यादा यूएसए में रिसर्च हो रही है और उसी में ही यूनिवर्सिटीज अच्छे प्रोग्राम ऑफर कर रही है. कोर्स कॉन्टेंट्स आप उन डिग्रीज के पढ़ें जो कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज से वो ज्यादा रिसर्चेबल है, ज्यादा डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं, जो स्टूडेंट डिमांड कर रहा है यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं वहाँ यूएसए
प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस और मास्टर्स लेवल पे बिजनेस एनालिटिक्स डेटा एनालिटिक्स इनमें ज्यादा स्कोप देखा जा रहा है. स्टूडेंट इसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है. डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं तो ये चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट है आजकल और इसके लिए स्टूडेंट को कंसिडर भी करना चाहिए ताकि यहाँ बी ए डिग्रीज की आगे फ्यूचर में क्या बढ़ता है उसमें आफ्टर कम्प्लीटिंग डिग्री स्टेम ऑप्शंस अवेलेबल है यानी कि 3 ईयर स्टूडेंट फुल टाइम जॉब कर सकता है इजीली आफ्टर कम्प्लीटिंग डिग्री. तो इन स्टूडेंट्स को यूएस में अच्छा ट्रीट किया जा रहा है. जी ठीक हो गया. अच्छा बताइएगा मास्टर प्रोग्राम कितने ईयर का होता है यूएसए में? 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम होता है या 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम? यूएसए में ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज 1 ईयर ज्यादातर ऑफर करती हैं लेकिन क्रेडिट आवर्स पे डिग्रीज होती हैं. अगर 40 क्रेडिट्स की डिग्री है 30 क्रेडिट्स की मास्टर्स की डिग्री है वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है. वो 1 ईयर में ये सारे क्रेडिट्स कंप्लीट करता है. 1 सब्जेक्ट में 3 क्रेडिट्स होते हैं तो अगर 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं पूरे मास्टर्स प्रोग्राम में 30 ज्यादा 10 to 14 सब्जेक्ट होते हैं मास्टर्स में. अगर स्टूडेंट ने 16 ईयर एजुकेशन कम्प्लीट की भी है तो वो स्टूडेंट 1 ईयर में भी कंप्लीट कर सकता है. ज्यादातर स्टूडेंट 1.5 and 2 ईयर्स में इजीली कंप्लीट कर लेते हैं और उन पे इतना बर्डन भी नहीं होता. अगर 1 साल में डिग्री कंप्लीट करेंगे तो उनको ज्यादा कोर्सेज उठाने पड़ेंगे और पर क्रेडिट वाइज फीस के अकॉर्डिंगली चार्ज भी ज्यादा होगा. ठीक हो गया. नॉर्मल सीजीपीए क्या रिक्वायर्ड होता है मास्टर प्रोग्राम के लिए? मास्टर्स अब ये वेरी करते हैं. यूनिवर्सिटी 4 ईयर बैचलर्स रिक्वायर्ड होता है 2 ईयर बैचलर्स रिक्वायर्ड होता है. स्टूडेंट्स मास्टर प्रोग्राम की आ रहा है 4 ईयर बैचलर्स कंसीडर किए जाते हैं 4 ईयर बैचलर्स की कंसीडर किए जाते 14 ईयर एजुकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी मास्टर्स के लिए. 16 ईयर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है. बट स्टूडेंट ने अगर 2 ईयर्स बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ है और 2 ईयर्स मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है तो उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं एज ए 16 ईयर एजुकेशन फॉर मास्टर्स डिग्री. अगर उनकी फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स हैं फास्ट से GIK से या फिर कॉम साइड से इनका ग्रेडिंग क्राइटेरिया टफ होता है. उनका CGPA 2.3-2.4 होता है लेकिन अगर उनकी इक्विवेलेंसी परसेंटेज में निकाली जाए तो वो 72-73% तक चली जाती है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. हम उनको नो नहीं कह रहे हैं. हम वेलकम कर रहे हैं उनको वो अप्लाई करें. हम उनको कंडीशनल एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी सेटिस्फाई है तो हम आगे उनका वीजा भी प्रोवाइड सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे. स्टडी गैप कितना कंसीडर किया जाता है? 4 ईयर्स 2 ईयर्स या स्टडी गैप हो तो या बिल्कुल फ्रेश एक बैचलर स्टूडेंट होना चाहिए तो ही मास्टर प्रोग्राम के लिए यूएसए में जो है यूनिवर्सिटी अदरवाइज स्टडी गैप के साथ भी कंसीडर करती है बैचलर प्रोग्राम. ये क्वेश्चन आप बैचलर्स के लिए पूछ रहे हैं मास्टर्स के लिए पूछ रहे हैं? तो वो आपकी इंटेंशन किस तरीके से जज कर पाएगा एम्बेसी में और यूनिवर्सिटी के आप बाकी जनरल स्टूडेंट हैं कि नहीं है. अगर आप उस गैप को 3-6 मंथ्स का मैटर नहीं करता आफ्टर 6 मंथ आपको कुछ ना कुछ शो करना है कि आप किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं. कोई वॉलंटियर वर्क आ जाता है इंटर्नशिप आ जाती है इस या कोई जॉब आपने स्टार्ट की है या आप ट्यूशन लेक्चर्स दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ बताना जरूर है. अगर आप वेकेंट रहेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी आप यूएस आके पढ़ेंगे या आप की क्या इंटेंशन है? Let's say बच्चे ने स्टडी गैप में कुछ नहीं किया तो वो क्या अप्लाई कर सकता है मास्टर प्रोग्राम के लिए? फॉर एग्जांपल 4 ईयर बैचलर 4 ईयर का स्टडी गैप है कुछ भी नहीं किया बच्चे ने 2016 में उसने डिग्री कंप्लीट की और 2020 तक उसने कुछ नहीं किया तो क्या वो यूएसए में अप्लाई कर सकता है? कर सकता है. यूनिवर्सिटी अगर उसे पूछती है कि आप इसमें क्या किया उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया तो उनसे रीजन पूछेंगे ना तो आप क्यों नहीं कुछ किया तो उसके पीछे अगर उसका कोई बैकअप प्लान है कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था मुझे कोई फाइनेंसेस नहीं मिल रहे थे ये मेरा बिजनेस प्लान है ठीक है और वो चीजें यूनिवर्सिटी अंडरस्टैंड करती है तो उसे ऑफर दे देंगे कि उसने कुछ ना कुछ वर्किंग की हुई है. खाली तो नहीं बैठा रहा होगा वो घर में 4 साल लेकिन मैं लेकिन कुछ ना कुछ आपने बताना है कि आप खाली नहीं बैठे हैं घर में तो वो एक्सेप्टेबल है. जॉब शो करता है स्टूडेंट कुछ भी
ठीक हो गया। इंटर के बाद बच्चा एक बैचलर्स के लिए जा रहा है, यूएसए में कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है बच्चे को, नॉर्मल मिनिमम परसेंटेज कितनी यूएसए में रिक्वायर्ड होता है कि बच्चा बैचलर्स प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट जा सकता है, कितनी मिनिमम परसेंटेज? हमारे पास ऑप्शंस हैं, मिनिमम 45% पे भी ऑप्शन मिल जाती है और वेरी करी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कुछ जगहों पे 75, 80, 85% पे भी एडमिशन मिल जाता है अच्छी बिग नेम यूनिवर्सिटीज में। अच्छा एक चीज बताइएगा, आईएलटीएस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ये बहुत एक अहम चीज है स्टूडेंट्स से रिलेटेड, के बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे डिस्कस करना चाह रहे होते हैं, अपनी क्यूरीज को इंक्वायरी को क्लियर करना चाह रहे होते हैं, तो आईएलटीएस का बताइएगा कि आईएलटीएस की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना आईएलटीएस चाहिए होता है, यूनिवर्सिटी वाइज होता है या नॉर्मल एक फिक्स एक आईएलटीएस रिक्वायरमेंट जो है वो दे दी गई है? ऐसे में यूनिवर्सिटीज के जैसी प्रेफरेंस दो तीन चीजें हैं, वहाँ पे उनका अपना इंग्लिश टेस्ट भी है, पियर्सन टेस्ट ले लेते हैं, टॉफिल है, आइल्स है, ठीक है, और अगर स्टूडेंट ने ओ लेवल्स किया हुआ है तो उस पर भी इंग्लिश वेव हो जाती है, उसमें तीन चार उनके ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किए गए हैं स्टूडेंट के लिए कि अगर कुछ भी आपके पास है, कुछ यूनिवर्सिटीज आपका इंटरमीडिएट के 70% स्कोर की बेस पे भी वो एग्जाम कर देती है, लेकिन हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज है ज्यादातर बैचलर्स के लिए 5.5 कंसिडर करती हैं, नॉट लेस देन 5 ही नीच, और इन टॉफिल 67 होना चाहिए मींस या टॉफल और आईएलटीएस दोनों चलता है, अगर लेट से आईएलटीएस नहीं है टॉफल है तो भी स्टूडेंट्स कर सकता है। ठीक हो गया, मुझे ये बताइएगा नॉर्मल मिनिमम जो आईएलटीएस रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लेट से मास्टर प्रोग्राम के लिए बच्चा जा रहा तो उसको कितना आईएलटीएस रिक्वायर्ड होगा? मास्टर्स के लिए 6.5 चाहिए, नॉट लेस देन 6 ही नीड्स, और बैचलर्स के लिए भी सेम जो है वो mostly 5.5 और direct admissions के लिए 6.5 भी, कुछ big name universities जो है tier 1 ranking की जो है वो 6.5 भी मांग लेते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे ये है scholarships के बारे में बताइएगा कि क्या universities अभी इन conditions में scholarships provide कर रही हैं या नहीं कर रही, अगर कर रही हैं तो किन basis पर कर रही हैं, या fix एक scholarship की उन्होंने दे दी है कि स्टूडेंट को एक फिक्स ही स्कॉलरशिप दी जाएगी या फिर परसेंटेज वाइज अच्छी स्कॉलरशिप्स ऑफर करेंगे, तो स्टूडेंट्स की तरफ से एक बहुत अहम सवाल है कि स्कॉलरशिप का आपको भी पता है, आपको भी बहुत सी ऐसी इंक्वायरीज रिसीव होती होंगी कि सबसे पहले स्टूडेंट जो पूछते हैं वो स्कॉलरशिप का पूछते हैं, अभी भी मेरे पास बहुत सी ऐसी इंक्वायरीज मुझे आ रही है कि स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाए, तो आप स्कॉलरशिप के बारे में बताइएगा किन बेसिस पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, कहाँ किस लेवल तक जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है? स्कॉलरशिप हमारे पास अप टू 60% तक की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और ये वेरी कर रही है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको 60% तक एकोमोडेट कर रही हैं, कुछ 10% तक की डिस्काउंट्स ऑफर कर रही हैं, ये सब मेरिट बेसिस पे हैं, इस तरह नहीं है कि अगर कोई डी ग्रेड के साथ आ रहा है तो उसको भी इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसको वो अर्न करनी है। हाँ हम उनकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर एक स्टूडेंट का 65% मार्क्स हैं और 70 पे स्कॉलरशिप मिल रही है तो हम अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो उस पर वो कुछ ना कुछ वेटेज बढ़ा सकते हैं, मिल जाती है यूएसए में कंपेयर टू अदर कंट्री सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप है हमारे पास, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ पैसिफिक है उसकी $50,000 फीस है 1 ईयर की, तो हम $30,000 तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, $20,000 फीस रह जाती है। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, लेट से एक बच्चा जाना चाह रहा है उसके 60% मार्क्स है, डेफिनेटली हर स्टूडेंट यही चाहता है कि उसको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सके, अब एक बच्चा लेट से उसके इंटर में 60% मार्क्स है, लेट से बैचलर्स के लिए फर्दर मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहा है, उसका 2.5 CGPA 6 CGPA जो कि इतना अच्छा CGPA नहीं होता है, डेफिनेटली सबको पता है कि CGPA एडमिशन मिलना भी समटाइम मुश्किल होता है, तो क्या यूनिवर्सिटीज इन बेसिस पर भी कोई स्कॉलरशिप उन्होंने एक रखी हुई है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मिनिमम 1% है, तो उन स्टूडेंट्स को भी वो क्या स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते? अप टू 30% तक की स्कॉलरशिप का कैप है और वो स्टूडेंट अवेल इजीली कर लेता है, बेशक आपका 2.5 CGPA हो या 60 या 50% मार्क्स भी हो इंटरमीडिएट में तो भी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मिल जाती है, क्योंकि यूएस की यूनिवर्सिटीज के पास एजुकेशन बजट बहुत ज्यादा है कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो वहाँ पे स्टूडेंट के पास 5 किस्म की स्कॉलरशिप होती हैं, इनिशियली तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, बजट है, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स बेसिस पे है, फिर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स एंड डिस्टिंक्शंस हैं,
फाइनेंशियल एड है, लोन भी मिलता है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे जाके भी अवेल करते हैं। तो इतना बजट होता है यूनिवर्सिटी के पास कि स्टूडेंट इजीली वहाँ पे सर्वाइव भी कर जाता है ये चीजें अवेल कर। तो और उसके अलावा भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी है, जिसके पास सैट स्कोर है, जीवीआरई अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो वो फुली फंडेड भी जाता है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप से वो कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, क्या परसेंटेज होनी चाहिए? तो अकोमोडेट कर देती है। और अंडर ग्रेड में उसके को करिकुलर एक्टिविटीज, वॉलंटियर वर्क वगैरह बहुत मैटर करती है ये चीजें। फौरन से भी नीचे हमें कमेंट सेक्शन पर क्लियर कीजिए, या फिर 03-46-47-47-043 पर अभी कॉल कीजिए, आपकी लाइव कॉल ली जाएगी और आपकी जो भी क्वेरीज है तमाम क्वेरीज को क्लियर किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद मोहसिन साहब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ये बताइएगा कि एडमिशन का कितना प्रोसेस होता है, टाइम कितना प्रोसेस है, वीजा प्रोसेस कितना होता है? स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं कि वीजा प्रोसेस में कितना टाइम लगता है यूएसए के वीजा प्रोसेस में, और क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, ये बताइए। यूएसए के वीजा प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम नहीं है, यूनिवर्सिटी ने हमें आफ्टर ऑफर लेटर I-20 देना होता है कंफर्मेशन सीट के बाद, वो I-20 कोरियर होके आता है, जैसे ही हमें रिसीव होता है हम वेरी नेक्स्ट डे एलिजिबल है वीजा अप्लाई करने के लिए। हमने अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी होती है, अपॉइंटमेंट पर स्टूडेंट का मैसेज आता है, इंटरव्यू क्लियर करता है, उसकी हम तैयारी बहुत अच्छी करवाते हैं, हमारा वीजा रेशियो 80% अबव है, और वो इंटरव्यू क्लियर करता है, उसे 2-3 दिन के डिफरेंस से उसको पासपोर्ट मिल जाता है, मैक्सिमम कभी कभी 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, लेकिन एवरेज जो देखी गई है वो 3-4 दिन में आफ्टर इंटरव्यू पासपोर्ट मिल जाता है स्टूडेंट को। तो एम्बेसी के प्रोसेसिंग टाइम इतना नहीं है कम्पेयर टू अदर कंट्रीज के 15 दिन से लेके हम 1.5 महीने तक स्टूडेंट को वेट करवा रहे हैं एम्बेसी। वो सिक्योरिटी इशूज अलग हैं, कभी कभी एक आध पासपोर्ट सिक्योरिटी इशू चेक में चला जाता है, लेकिन mostly 3-4 दिन में after interview clearance मिल जाता है passport। means के जो admission students करवाते हैं, जो आप university से admission मंगवाते हैं, students का जो आपको documentation provide कर रहे हैं, means के आपका कहने का मतलब है कि 1 हफ्ते के अंदर student का admission आ जाता है university से, ताकि further उसको process start कर दिया जाए। कुछ university जल्दी process करती हैं, कुछ time ले लेती हैं, ये university के ऊपर depend करता है, लेकिन mostly हमारे पास जो हम student को कहते हैं maximum 2 वीक्स लगती हैं, 2 वीक्स से ज़्यादा टाइम नहीं लगता अंडर ग्रेड की एप्लीकेशन में। पोस्ट ग्रेड की कुछ एप्लीकेशन होती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज की, कुछ कोर्सेज की खासतौर पे रिसर्च से रिलेटेड, तो उसमें 6 वीक्स लग सकते हैं, 4-6 वीक्स, वरना उससे पहले ही आ जाता है। ये बताइएगा डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, लेट्स से अभी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं, इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा कि अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईएलटीएस नहीं किया, डेफिनेटली आपको भी पता, सबको पता है कि ऐसे जो है वो डेट्स नहीं मिली स्टूडेंट्स को आईएलटीएस की, तो बड़े परेशान है, तो क्या वो अभी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपने जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है, क्या वो आपको प्रोवाइड करें, आप क्या एडमिशन उनका प्रोसेस कर देंगे इन सिचुएशन में, या नहीं हो सकता अभी आईएलटीएस नहीं किया हुआ स्टूडेंट्स ने, तो इस बारे में क्या कीजिएगा? थैंक यू। अब बात यह है कि करंट सिचुएशन की बेस पे यूनिवर्सिटीज आपको फैसिलिटेट कर रही हैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके, ठीक है, आपके अगर कुछ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज को रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है एडमिशन के लिए, उन्होंने वो वेव कर दिए हैं अंडर ग्रेड में, उन्हें नहीं चाहिए हम विदाउट रिकमेंडेशन लेटर्स, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऑफ हैं, स्कूल कॉलेजेस ऑफ हैं, तो स्टूडेंट टीचर से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता और उसे रिकमेंडेशन लेटर्स नहीं है, तो हम विदाउट रिकमेंडेशन लेटर्स सिर्फ और सिर्फ आपके ओ लेवल्स है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, उनकी मार्कशीट और पासपोर्ट की कॉपी पे आपको एडमिशन कंडीशनल एडमिशन लेटर के लिए कंसिडर कर रहे हैं। आइल्स आप जैसे कंप्लीट कर लेते हो तो हम कंडीशन रिमूव करवा देंगे, आइल्स की डेट नहीं मिल रही,
सेकंड ऑप्शन ड्यूलिंगो है या यूनिवर्सिटी का अपना ऑनलाइन टेस्ट है इंग्लिश का। वो सबसे बेस्ट है, स्टूडेंट इजीली वो कंप्लीट कर लेता है घर बैठ के, आइल्स चार्जेस भी वेव हो जाते हैं, 35-36 थाउजेंड आइल्स की फीस है, वो वेव हो जाती है। हम उसको तैयारी करवाते हैं, हमारे आइल्स सेंटर है, तो जैसे आप गाइड करते हैं वहाँ पे आके स्टूडेंट अपना इंग्लिश की थोड़ी सी प्रेपरेशन करे, वो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर उसके पास है, वो टेस्ट क्लियर करे और अपना अनकंडीशनल ऑफर लेटर रिसीव कर सके और अच्छा उसको ये ले सके। बताइएगा कि जो अब आप जैसा कि आपका आज का मेरा ये लास्ट सवाल है आपसे, ठीक है, कि स्टूडेंट्स जो है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज के हवाले से बात की थी, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लो बजट में जाना चाह रहे होते हैं, यूएसए में इंटरेस्टेड होते हैं, लो बजट में जाना चाह रहे होते हैं, तो क्या लो कोई ट्यूशन फी अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास लो बजट है और वो जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए? मिनिमम कितनी है जो फीस स्ट्रक्चर है यूएसए में जो स्टूडेंट सपोर्ट कर सकते हैं? और एक चीज, दूसरी चीज बताइएगा कि जो वर्क अलाउ किया जा रहा है यूएसए में ड्यूरिंग स्टडी या नहीं किया जा रहा है, इस बारे में भी थोड़ा सा रोशनी डालिए। ठीक है, पहले मैं आपका पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि चीपेस्ट ऑप्शंस और क्या बजट बनता है इनटू पीकेआर रुपीस में। अमेरिका में हमारे पास जो मिनिमम ऑप्शंस फीसेस की जो आती है अंडरग्रेड में वो 15-14 थाउजेंड US डॉलर 1 ईयर की फीस बन जाती है, और पोस्ट ग्रेड में मिनिमम 18,000 डॉलर तक आ जाती है। 18,000 डॉलर का मतलब है पीकेआर में 30 लाख रुपीज, 160 डॉलर है, और 15,000 डॉलर का इसमें मतलब है लिविंग एक्सपेंस होते हैं या सिर्फ यूनिवर्सिटी की बता रहे हैं? सिर्फ ट्यूशन। अच्छा ठीक, इसके अलावा लिविंग इन चार्जेस 15-18,000 US डॉलर है ईयरली, और ये अंडर ग्रेड के लिए मस्ट है कि वो पहला साल ऑन कैंपस रहेगा, तो उसके बाद वो फंड्स भी अवेलेबल होने चाहिए 1 ईयर ट्यूशन फीस के साथ। अगर एक स्टूडेंट चीपेस्ट ऑप्शन में भी जा रहा है यूएस में और उसकी फीस आ रही है अराउंड 15,000 डॉलर, तो उसने 15,000 अपना लिविंग का भी रखना है, मीन 30,000 डॉलर 1 ईयर का मिनिमम एक्सपेंस है इन यूएसए, और 30,000 डॉलर का मतलब है अराउंड 45 लाख रुपीज। ठीक हो गया। वर्क आवर्स कितने अलाउ होते हैं, वीकली अलाउ होते हैं या कैसे अलाउ होते हैं यूएसए में ड्यूरिंग स्टडी? वर्क आवर कितने अलाउ होते अकॉर्डिंग टू एम्बेसी देखा जाए वीजा कैटेगरी के मुताबिक तो 20 आवर्स वर्किंग अलाउ नहीं है जैसे कि अदर कंट्रीज में अलाउ है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जॉब कर सकता है, और यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए स्टूडेंट कहाँ पे जॉब कर रहा है, उनकी नॉलेज में होना चाहिए। अगर एम्बेसी वेरीफाई करती है स्टूडेंट को कि हमने आपके स्टूडेंट को वीजा दिया है और वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, चेक सिक्योरिटी चेक करते हैं, तो उस पर यूनिवर्सिटी आंसरेबल होनी चाहिए, वैसे ठीक वीजा हो के गया, अकॉर्डिंगली जॉब अलाउ नहीं है ठीक यूएस। हो गया मिस्टर मोहसिन, थैंक यू सो मच, आपने बहुत एक इंफॉर्मेटिव जो है इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की यूएसए के बारे में। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो यूएसए स्टडी में जाना यूएसए के लिए स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको बहुत ही इस इंफॉर्मेशन से फायदा हुआ होगा, उन्हें सुना होगा डेफिनेटली। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी क्यूरीज है आप हमें क्लियर कर सकते हैं। रिसेंटली जैसा कि अभी अनाउंस हुआ था कि हमारे तमाम एचआर के ऑफिस पूरे पाकिस्तान में ओपन हो चुके हैं, मिस्टर मोहसिन जो है वो स्टूडेंट्स जो लाहौर से बिलोंग करते हैं स्पेशली, तो अगर वो मिस्टर मोहसिन से मिलना चाहते हैं, मिस्टर मोहसिन का नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 03-464-7407-053, तो जो मिस्टर मोहसिन से मिलना चाह रहे हैं हमारा लाहौर ऑफिस है सिद्दीक ट्रेड सेंटर में, आप मिस्टर मोहसिन से वहाँ पर जाके मिल सकते हैं अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपकी जो भी क्यूरीज हैं आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो यूएसए में अभी अप्लाई करना चाहते हैं अपने फॉरन से भी डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करें मिस्टर मोहसिन को, आपका डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे क्या आपका एडमिशन यूएसए में स्टडी के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कमिंग इनटेक कौन सी है, जैसा कि भी आपने सुना फर्दर ने सारा बैठ गया, यहाँ पर भी अभी आपकी कोई भी क्यूरी जो है वो आपकी रह गई है या आप करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर आपके मिस्टर मोहसिन का नंबर आप इनसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर 03-464-7407-043 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एनी टाइम आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर कर दिया जाएगा। लाहौर एसटीसी ऑफिस में आप मिस्टर मोहसिन से मिल सकते हैं, जो लाहौर के रहने वाले लाहौर से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम 4 से 5 के दरमियान में आप हमें
विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, तमाम एसओपीज को भी और वो फॉलो किया जा रहा है रिसेंटली जैसा कि कोविड-19 की वजह से, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो आइट्स की वजह से बहुत परेशान है, जैसा कि भी डिस्कशन हो रही थी हमारी आइट्स पर कि स्टूडेंट्स को डेट्स नहीं मिल रही है या बहुत परेशान है, तो उन तमाम लोगों को भी मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा आइट्स रिलेटेड भी कि हमारे तमाम ऑफिस में आइट्स क्लासेस ओपन हो चुकी है, आप आए विजिट करें, इन्फॉर्मेशन लें, अपनी सीट्स को फर्दर डिटेल्स फर्दर अपनी सीट्स को बुक करवाएं टेस्ट के लिए और अपनी आईएस क्लासेस को ज्वाइन करें। इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने जिस तरह समोसी ने बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करें इनको, अगर आपने आईएस नहीं भी किया तो भी आपके जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है मार्केट टू फॉरवर्ड सिस्टम डॉक्यूमेंट्स बताया फॉरन से फॉरवर्ड करें ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस कर दिया जाएगा। जैसे ही यूएसए में यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी फर्स्ट प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने पहले एडमिशन करवाया होगा, उन स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका टाइम वेस्ट ना हो तो फौरन से या तो हमारे लाहौर ऑफिस में विजिट करें या फिर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें, या अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम आपका ऑनलाइन भी कॉल पर भी आपसे डिस्कशन करेंगे, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपका डायरेक्टली भी जो है एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज का सेशन मैं आपका यहीं पर एंड करना चाहूँगा। थैंक यू मिस्टर मोहसिन, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत एक इन्फॉर्मेटिव जो है सेशन आपका आपके साथ हमारा रहा। थैंक यू ताहिर, थैंक यू जी। मैं अपने व्यूवर्स को भी जाते जाते जो है वो कहना चाहूंगा कि जो भी क्यूरीज है, वंस अगेन मैं कॉन्टेक्ट नंबर रिपीट करना चाहूंगा, मिस्टर मोहसिन का नंबर है 03-46-47-47-053, या फिर इसके अलावा आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली 03-46-47-47-043 पर कॉन्टेक्ट करें, आपकी जो भी क्यूरी है एनी टाइम इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। तो आज का मैं अपना सेशन यहीं पर एंड करना चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।